Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Pathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए International Olympiad Foundation के बारे में लेकर आई हूँ. हम इस वीडियो में जानेंगे कि International Olympiad Foundation क्या है, इसमें कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, किस किस क्लास के बच्चे एग्जाम को देते हैं, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है या नहीं. साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस एग्जाम को किस क्लास के बच्चे दे सकते हैं, उनका सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो एग्जाम कैसे दे सकते हैं, स्कूल के आधार पर दे सकते हैं या इंडिविजुअल दे सकते हैं, या एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटरनेशनल फाउंडेशन ओलंपियाड एग्जाम क्या है. इंस्पिरेशन, इनोवेशन एंड डिस्कवरी इस ओलंपियाड की मेन चीजें हैं. एनी सक्सेस स्टार्ट द गुड एजुकेशन टुगेदर विद अस योर विल हैव डीपर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू विल स्पेशली यूजफुल फॉर यू व्हेन क्लाइंबिंग द करियर लैडर. ये सक्सेस तब निर्भर करती है जब आपका एजुकेशन अच्छा रहे और खासकर उस समय आपको पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हो, उस समय जबकि आप करियर की ओर बढ़ रहे हैं. चलिए इसमें हम जान लेते हैं कि यह ओलंपियाड एग्जाम में क्या कहा जा रहा है. इस ओलंपियाड एग्जाम के मिशन क्या है, YOF ओलंपियाड, ये ओलंपियाड एग्जाम क्यों देना चाहिए. तो चलिए यहाँ पर लिखा गया, वन ऑफ द वर्ल्ड प्रीमियम एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन द इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन हैज ड्राइवन न्यू वे ऑफ थिंकिंग सिंस आवर फाउंडेशन. दुनिया के प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में से एक इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन ने हमारी स्थापना के बाद से सोचने के नए तरीकों को प्रेरित किया है. इसकी स्थापना से दुनिया के प्रमुख शिक्षाविदों ने छात्रों को भविष्य की ओर चुनौतियों को सामना करने के उद्देश्य से इस ओलंपियाड को तैयार किया है. इस ओलंपियाड में बच्चों को वैज्ञानिक तथ्यों को बेहतर और गहरी समझने के लिए प्रयास किया गया है ताकि उनकी तार्किक क्षमता, विश्लेषणात्मक और समस्या निवारण कौशल को बढ़ाया जा सके. ऑलमोस्ट ओलंपियाड का ये ऑब्जेक्टिव से उद्देश्य है. यानी इस ओलंपियाड में इस बात को ध्यान रखा गया है कि किस प्रकार बच्चों को जो है मोटिवेट किया जाए कि वो डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंटिफिक फैक्ट को समझ सके और जिसके आधार पर उनकी रीजनिंग, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ावा मिल सके. अब हम जानेंगे कि आवर फीचर्स ओलंपियाड, इस ओलंपियाड के फीचर्स क्या है. इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन आज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल बाय द परस्यूइंग बिग आइडियाज एंड शेयरिंग व्हाट वी लर्न वी मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस. इसमें कौन कौन सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं तो देखिए, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, कंप्यूटर ओलंपियाड, इसमें कुछ ओलंपियाड को हम आगे समझेंगे. यहाँ पर चलिए देख लीजिए, क्लास फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक के बच्चों के लिए ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया जाता है. ऑलमोस्ट एट सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में एट सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सभी क्लास के बच्चों के लिए करवाए गए हैं. उसके बाद जो होते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ऐड होते जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्लास सिक्स टू टेंथ में संस्कृत ओलंपियाड को ऐड किया गया है, फिफ्थ तक संस्कृत ओलंपियाड को ऐड नहीं किया गया था. फिर सिक्स टू ट्वेल्व में जाके आपको इंडियन म्यूजिक ओलंपियाड एंड वेस्टर्न म्यूजिक ओलंपियाड, ये दो ओलंपियाड को फिर ऐड किया गया है. एंड एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में कॉमर्स ओलंपियाड, इकोनॉमिक ओलंपियाड एंड इंटरप्रेटिंग ओलंपियाड, इंटर्नशिप ओलंपियाड, ये सब्जेक्ट्स के ओलंपियाड को ऐड किया गया है. अब हम जानेंगे इस ओलंपियाड में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं. तो स्कूल के द्वारा भी इसको हम लॉगिन कर सकते हैं और इंडिविजुअल स्टूडेंट भी आप इसे लॉगिन कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट भी आप इसे लॉगिन कर सकते हैं. और इसके रिजल्ट जो है साल के लास्ट में आ जाते हैं, जनरल रिजल्ट्स डेट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाते हैं. साथ ही आपको हम ये देखेंगे ओलंपियाड एग्जाम के बारे में एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छी है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, प्रैक्टिस सीट और क्वेश्चन, सिलेबस के पैटर्न सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं. द
ताकि आपको बाहर कहीं से भी कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लास थर्ड के, चलिए आपको मैं बताती हूँ यहाँ पर मैथमेटिक्स के हम देखते हैं। जैसे ही हम मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तरफ क्लिक करते हैं, इससे रिलेटेड आपको जो है प्रैक्टिस सीट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर एंड क्वेश्चंस के पैटर्न एंड सिलेबस, ये सारी चीज यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। देखिए ये बार मैथमेटिक्स में हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये पूरा आपको आ जाता है ओलंपियाड फ्री मॉक टेस्ट, यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। रजिस्ट्रेशन आप इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। इसकी जो फीस हो जाती है करीब 150 पर ईच सब्जेक्ट ओलंपियाड की हो जाती है, और डिस्काउंट 20% आपको फीस में मिल जाती है अगर आप मोर देन 5 सब्जेक्ट्स में ओलंपियाड में पार्टिसिपेट्स करते हैं। एंड आउटसाइड जो इंडिया से स्टूडेंट है उसके लिए जो है USD 8 फॉर ईच ओलंपियाड हो जाता है। फ्री ऑफ इंडियन स्टूडेंट हैज द पेरेंट्स मटेरियल फॉर डिफेंड स्कूल आर मार्टियल स्टेट स्टूडेंट विद। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसकी स्टार्ट हो चुकी है 24 के लिए, तो आप इसे अभी भर सकते हैं। यहाँ पर लिंक भी दी गई है रजिस्ट्रेशन की। ऑनलाइन मोड में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट के द्वारा किया जा सकता है और स्कूल के द्वारा भी ये होता है। विद द हेल्प ऑफ लिंक द पेरेंट स्टूडेंट विल बी एबल टू रजिस्टर फॉर ओलंपियाड एंड मेक ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्टली। द रेस्ट विल टेकन बाई IOF एंड डेटा रजिस्ट्रेशन। द रजिस्टर्ड स्टूडेंट कैन व्यू स्कूल एनी टाइम ऑफ पोर्टल, स्कूल के पोर्टल पर भी आप देख सकते हैं और अलग से भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट हु ऑलरेडी रजिस्टर्ड लास्ट ईयर कैन लॉग इन डायरेक्टली सो पोर्टल पे एंड ईयर्स कंप्लीट। अब आगे हम इसको देखेंगे। इसके आप जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। टाइम एंड कंडीशन क्या हो जाती है यहाँ पर जो है ऑनलाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर रजिस्टर पे ऑनलाइन कर सकते हैं स्टार्ट परस्यूइंग। मटेरियल अवेलेबल रहता है यहाँ पर ओलंपियाड ऑनलाइन डेटा सीट आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर सिलेबस और फॉर्मेट देख लेते हैं। चलिए क्लास थर्ड के सिलेबस एंड फॉर्मेट यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार का फॉर्मेट रहता है यहाँ पर। यह क्लास थर्ड मैथमेटिक्स के हम फॉर्मेट देख रहे हैं इंटरनेशनल। यहाँ पर करीब जो है टोटल क्वेश्चन होते हैं 35 एंड टोटल मार्क्स 35 के रहते हैं और ड्यूरेशन 60 मिनट्स का रहता है 16 मिनट का रहता है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन 3 सेक्शन में क्वेश्चंस पार्ट डिवाइड रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस में आपका लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड में मैथमेटिक्स एंड थर्ड में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल रहता है। लॉजिकल रीजनिंग में आपका सिलेबस हो जाता है रीजनिंग, ग्रुपिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, मेजरमेंट, डेज एंड डेट्स, सीरीज कंप्लीटिशन, रैंकिंग टेस्ट, पैटर्न एंड क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर्स, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, जिससे कि 10 क्वेश्चंस रहते हैं। एंड सेक्शन भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहते हैं, जो कि आपका क्लास थर्ड का जो भी सिलेबस रहता है वही सिलेबस रहते हैं, जिससे 20 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें टॉपिक्स हो जाते हैं नंबर सिस्टम एंड न्यूमरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, फ्रैक्शंस, टाइम एंड कैलेंडर, वेट, लेंथ, कैपेसिटी, मनी, यूनिटरी मेथड, मेजरमेंट, पिक्टोग्राफ, लाइंस, एंगल एंड ट्रायंगल्स, डेटा हैंडलिंग एंड मेंसुरेशन। एंड सेक्शन सी हायर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, 5 क्वेश्चंस रहते हैं और सिलेबस बेस्ड ऑन सेक्शन बी। सेक्शन बी यानी मैथमेटिक्स के जो सिलेबस रहते हैं उसी से हायर थिंकिंग क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहते हैं। अब इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे सिलेबस हमारा हो चुका है। अब प्रीवियस ईयर के यहाँ पर यह भी फैसिलिटी रहती है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए देखिए इसके हम प्रीवियस ईयर के डाउनलोड पेपर आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ से इस तरह आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इस तरह आपका प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शन है और ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर जो है ये आपका शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रैक्टिस वर्कशीट भी मिलती है। देखिए प्रैक्टिस वर्कशीट हर क्लास से करीब आपको
फाइव वर्कशीट मिलती है हर सब्जेक्ट में। जैसे देखिए क्लास थर्ड में हम मैथमेटिक्स पे आ चुके हैं, देखिए वर्कशीट 1, 2, 3, 4 एंड 5 फाइव वर्कशीट आपको प्रैक्टिस के लिए मिलती है, जिसको आप यहाँ से इस प्रकार डाउनलोड करेंगे तो ये भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। और साथ में इसके आपको आंसर भी दिए रहते हैं कि ताकि आप सॉल्व करने के बाद चेक कर सकें कि आपके आंसर सही हैं या गलत, वो भी आप आंसर के द्वारा चेक कर सकते हैं। और इस ओलंपियाड में आपको जो है ये सारी सुविधा मिल जाती है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और एग्जाम डेटाबेस में हम आ जाते हैं। अपकमिंग ओलंपियाड 23-24 के लिए जो है रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन इज नाउ ओपन 23 एंड 24। एग्जाम वाइज जो डेट यहाँ पर दिए रहते हैं ऑलमोस्ट वही डेट पर एग्जाम होते हैं। इसके बाद हम जो है रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे। रिजल्ट्स जो है यहाँ पर पिछले ओलंपियाड 2022 के रिजल्ट यहाँ पर स्कूल के द्वारा आउट हो चुके हैं। स्कूल लॉगिन या स्टूडेंट लॉगिन के द्वारा आप अपने रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हैं। रिजल्ट ओलंपियाड कंडक्ट टिल दिसंबर 2021 तक रिजल्ट्स पूरे बन जाते हैं। डेटाबेस में आप पूरे सीट को एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम कब हो रहे हैं, डेट यहाँ पर फिक्स रहती है। उसके बाद आप यहाँ पर रिजल्ट्स पर देखने के बाद रिजल्ट्स यहाँ आ जाते हैं और टॉपर्स के नेम आ जाते हैं। कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है, जो डायरेक्ट आप यहाँ से जाके कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं और अपने पूरे डिटेल्स भर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स फॉर स्कूल, स्कूल से भरने के लिए कांटेक्ट दिए गए। कांटेक्ट डिटेल्स फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के डिटेल्स के लिए आप अगर इंडिविजुअल एज ए स्टूडेंट भरना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इंक्वायरी करके कुछ पूछ सकते हैं और ये यहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म भर के आप रजिस्टर हो सकते हैं। स्टूडेंट लॉगिन के लिए अलग बना हुआ है, यहाँ से आप रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर योरसेल्फ, खुद रजिस्टर करके यहाँ से आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही अगर स्कूल के द्वारा भरा जा रहा है तो यहाँ से स्कूल के लिए लॉगिन के लिए अलग ये दिए गए हैं, यहाँ से स्कूल के द्वारा भी लॉगिन किया जा सकते हैं। अगर आपका स्कूल इस फॉर्म को नहीं भरता है तो आप इंडिविजुअल भी भर सकते हैं। तो ये थे आपके इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन से रिलेटेड जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर आप पूछना चाहते हैं जिसे हमने साथ में नहीं किया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन पर डायरेक्ट भी आप इसके वेबसाइट www.internationalolympiadfoundation पे जाके ये सारे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही इस ओलंपियाड में अवश्य पार्टिसिपेट करें। ऑलमोस्ट ओलंपियाड के क्वेश्चंस के पैटर्न बहुत कुछ मिलते जुलते रहते हैं कुछ टॉपिक्स वाइज, जिसमें वर्कशीट भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से अवश्य प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।